बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सारिफीन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। 3 माह में बिजली 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत ने एक बार फिर बिजली 98 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पहले से महंगी बिजली को मजीद कितना महंगा किया जाएगा। हुकूमत हर दफा बिजली की महंगी करती जा रही है, गरीब आदमी तो मरता जा रहा है, गरीब आदमी का बस का तो काम ही नहीं रह गया। बिजली महंगी करने से सार्फीन को 6 अरब रुपए का टीका लगेगा। नेपरा के मुताबिक मार्च के बिलों में फी यूनिट इजाफा किया गया है। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने बारे इकदाम करे। हर एक चीज महंगी हो गई है। इमाम खान साहब ने तबाह करके रख दिया कारोबारों को। कारोबार 1 रुपए का भी नहीं है। अब बिजली भरे क्या नाम बिल भरे, बिजली के आटा खाए रोटी खाए क्या करें, पेट पालें क्या करें। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। यही नहीं, अद्वियात भी महंगी हो गई हैं। महंगाई के वायरस ने गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशुबा इजाफा हुआ। शुगर की दवा 1200 रुपए महंगी, जबकि बच्चों के दूध के डब्बा 160 रुपए महंगा हो गया। राजिक 245 से 280 और इसके साथ साथ महंगी अद्वियात खरीदने की सकत ना रखने वाले गरीब शहरी मौत की दुहाई देने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर औलिया मुल्तान में अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीबों के लिए जीना हुआ मुश्किल। दर्द कुछ दवा डक्लोरान के डब्बे की कीमत में 35 रुपए का इजाफा हो गया। राइजिक 245 से बढ़कर 280 तक महंगी हो गई। सर्वेक्स 225 से बढ़कर 245 तक पहुंच गई। इसी तरह दर्द कुछ दवा कैफ्लैम का डब्बा 25 रुपए महंगा हो गया। कीमत 160 से बढ़कर 185 तक पहुँच गयी। शुगर की दवा लेंटस पेन 1200 रुपए महंगी हो गई। कीमत 4450 से बढ़कर 5659 पर पहुंच गई है। घी आटा ये चीजें तो पहले भी महंगी हैं। अब जो बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयां लेने जाते हैं। पहले जो हमें चीज मिलती थी 500-600 रुपए में दवाई जो हम लेते थे, अब हमें मिल रही है 1200 रुपए की। ये बिल मेरे हाथ में, अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी हमें परेशानी हो रही है। खान साहब को हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले वो चीजें बढ़ाइए, अब आप ये बढ़ा रहे हो कि कहीं तो आप कोई चीज को कंट्रोल रखें। एक जानब मार्केट में अद्वियात की कीमतें महंगी, तो दूसरी जानब सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी भी नजर आ रही है। गरीब मरीज अस्पतालों से मायूस लौटने लगे हैं। निस्तर हॉस्पिटल, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में भी अद्वियात नायाब हैं। हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों को मदद मिलनी चाहिए और हमारे बहुत परेशानियां, हम कहाँ जाए, इतनी महंगाई है और मेडिसिन बाहर से कैसे खरीदे। मेडिकल स्टोर्स मालकान भी अद्वियात महंगी होने को हुकूमती पॉलिसियों से जोड़कर जान छुड़ाने लगे हैं। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगी अद्वियात मिलने पर कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया है। 72 साल तारीख में इतनी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई जितना मौजूदा दौरे हुकूमत में हुई है, लेकिन उससे भी अफसोसनाक बात यह है कि इतनी प्राइस इंक्रीज होने के बाद हुकूमत जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। किसी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया और एक कीमतें बढ़ने की ही बात नहीं है बल्कि तसलसल के साथ अब भी बढ़ रही हैं। बच्चों के दूध के डब्बे की कीमत में 160 रुपए का इजाफा हो गया। मौरीनागा दूध के डब्बे की कीमत 930 से बढ़कर 1090 तक पहुंच गई। आगमंटन दवा भी 187 से बढ़कर 201 रुपए तक महंगी हो गई है। लक्सोजिन दूध का डब्बा भी 110 रुपए महंगा हो गया। डब्बे की कीमत 520 से बढ़कर 630 तक पहुंच गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल नियाजी और इब्राहिम खान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं किसानों की बदहाली और रोज बरोज बढ़ते मसाइल। शोबा ज़रात की बदहाली की असल वजह रोही ने खोज निकाली। महकमा ज़रात पंजाब में 11,000 असामियां खाली होने का होशुबा इंकशाफ हुआ। गजटेड अफसरान की 1,931 और नॉन गजटेड मुलाजमीन की 9,151 असामियां खाली हैं। माली बहरान के बाइस सूबाई महकमों के अखराजात कम किए, वहीं सूबाई इदारों में खाली असामियों की भर्तियों पर भी पाबंदी आयद कर रखी है। महकमा ज़रात पंजाब के बेशतर शोबाए जात में अफसरान और मुलाजमीन की 11,000 असामियां खाली होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ज़रात पंजाब में गजटेड अफसरान की 1,931 और नॉन गजटेड मुलाजमीन की 9,151 असामियां खाली हैं। ज़रई रिसर्च के इदारे में भी 250 से ज्यादा साइंसदानों की असामियां खाली हैं। महकमा ज़रात के तौसी शोबा में 3,000 से ज्यादा गजटेड और नॉन गजटेड अफसरान की असामियां खाली हैं। महकमा ज़रात की फील्ड विंग में भी 2,000 से ज्यादा असामियां खाली पड़ी हैं। असामियां खाली होने के बाइस महकमा अमूर मुतासिर हो रहे हैं।
यहाँ आपको बताते हैं, अरबों के तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की हेरा फेरियां। मुल्तान समेत सूबा भर में तामीराती शोबे में बड़ा घपला। मवासलात, आबपाशी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 59 करोड़ 80 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पटवारियों के बाद खिलाड़ियों पर भी करप्ट माफिया का जादू चल गया। मुल्तान समेत पंजाब भर में तामीराती शोबे में तारीखी घपला। मवासलात, आपाशी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 59 करोड़ 80 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। खुदाई और आलात की खरीदारी के लिए मनपसंद ठेकेदारों को जायद अदागियां की गयी। तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी की मद में कौमी खजाने पर इजाफी बोझ डाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मवासलात, आपाशी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट समेत मुल्तान, फैसाबाद, डीजी खान और तोनसा शरीफ की इंतजामिया इसमें शामिल रही। माली बेजाबतगियां मौजूदा दौरे हुकूमत में होने वाली तामीराती कामों में पकड़ी गई हैं। ऑडिटर जनरल ने माली बेजाबतगी की रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करवा दी है। आपको बताएं कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में ट्रेनिंग लेबोरेटरी होगी तामीर। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। ट्रेनिंग लेबोरेटरी की तामीर के लिए 1 अरब 53 करोड़ के फंड्स और चोलिस्तान के इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान के लिए 4 करोड़ के फंड्स मंजूर कर लिए गए। पीएनडी बोर्ड की जेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड इमरान सिकंदर बलोच, मेंबरान पीएनडी बोर्ड समेत मुतलका सेक्टर्स के अफसरान ने शिरकत की। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ट्रेनिंग लेबोरेटरी की तामीर के लिए 1 अरब 53 करोड़ से जायद के फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई। मुख्तलिफ डिवेलपमेंट सेक्टर्स की 5 तरक्याती स्कीमों की भी मंजूरी दी गई। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में ट्रेनिंग लेबोरेटरी की तामीर के लिए 1 अरब 53 करोड़ से जायद के फंड्स की मंजूरी भी दी गई। साहिवाल शहर से रेलवे क्रॉसिंग झल रोड तक फ्लाईओवर की तामीर के लिए 74 करोड़, गुजरावाला अजीज क्रॉस फ्लाईओवर की तामीर के लिए 19 करोड़ 18 लाख और चोलिस्तान के इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान के लिए 4 करोड़ 21 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। डेरा गाजी खान डिवीजन की तरक्की का सफर जारी। कमिश्नर डेरा गाजी खान की जेर सदारत तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। 54 करोड़ 74 लाख के 3 तरमीमी मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर अरशाद अहमद के जेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टर डेवलपमेंट अबैदुर रशीद, डिप्टी डायरेक्टर वसीम अख्तर जतोई लैया और मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर्स बिलतरतीब असफर जिया और अमजद शोएब तरीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और लैया के तरक्याती मनसूबों की मशरूत मंजूरी दी गई। डेरा गाजी खान में दानिश स्कूल के साथ 52 केनाल रकबे पर नया बॉयज डिग्री कॉलेज कायम किया जाएगा, जिस पर 20 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। तरमीमी मनसूबों में मुजफ्फरगढ़ में मोजा चक चाचड़ा नहर, तलेरी ता मोजा बेली जनूबी रोड के मंसूबे पर 6 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। लैया में भी रोड के तरमीमी मंसूबे की मंजूरी दी गई। कमिश्नर डॉक्टर अरशाद अहमद ने कहा कि तरक्याती मंसूबों के मायार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब असेंबली ने बहावलपुर में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कायम का बिल मंजूर कर लिया। बहावलपुर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में जनूबी पंजाब की पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी होगी। मियां मोहम्मद जहांगीर का कहना था कि लाहौर से सक्खर के दरमियान किसी भी इलाके में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जनूबी पंजाब के नौजवानों को आला तालीम के मौके देने पर हुकूमत पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के शुक्रगुजार हैं। खल्ला मंडी मुल्तान को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मामला, ताजिर अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। कहा कि मंडी की मुंतकली से ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। कमिश्नर मुल्तान जवेद अख्तर महमूद ने ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया, जिस पर ताजर बिरादरी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। ताजरों का कहना था कि वो गल्ला मंडी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी मंडी है, खुली मंडी है, आज तक आबाद नहीं हुआ, हम सब गल्ला मंडी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गल्ला मंडी की मुंतकिली नामंजूर नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गल्ला मंडी की मुंतकिली ताजरों के साथ खुलम खुला ज्यादती होगी। ये गल्ला मंडी यहाँ से शिफ्ट करनी है तो ये हमने चंद साल पहले भी इनको कह दिया था कि गल्ला मंडी यहाँ से हम कहीं भी शिफ्ट होने नहीं देंगे, और आज भी हम कहते हैं कि गल्ला मंडी शिफ्टिंग की जो बात कर रहे हैं ये हम अपने ऊपर ताजर खुद को हमला तसव्वुर करते हैं। ताजरों ने गल्ला मंडी की मुंतकिली का फैसला वापस लेने की अपील की है। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। अभी आपको बताते हैं, इमर्सन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला हल ना हो सका। इमर्सन कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जानिब से एहतजाज 25वें रोज भी जारी रहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
एमर्सन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मामला हल न हो सका। एमर्सन कॉलेज के असातिज़ा और तलबा की जानिब से एहतजाज 25वें रोज भी जारी रहा। तलबा की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद रखा। अब एक कॉलेज जो अच्छा भला वर्क कर रहा है और एक सदी से ऊपर जो लोग यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, वो लोग जो गरीब तलबा है, जो बेचारे पैदल चलकर आते हैं, जो साइकिलों पर चलकर आते हैं, वो तालीम हासिल करके आला उहदों पर पहुंचते हैं, लेकिन ये रास्ता बंद कर रहे हैं। हम ये रास्ता बंद नहीं होने देंगे। तलबा ने पेनाफ्लेक्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। एहतजाज में एप का मुलाजमीन ने भी शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि एमर्सन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर गरीब से पढ़ाई का हक ना छीना जाए। वन लाइनर एजेंडा है कि कॉलेज को बहाल रखा जाए। आप 100 यूनिवर्सिटियां बनाए, बनाना चाहते हैं बनाए, शौक से बनाए। हमने अपना चार्टर और डिमांड भी पेश किया हुआ है। अब सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से डिले है। गवर्नमेंट जब उसे अप्रूव करेगी ये एहतजाज खत्म हो जाएगा। कॉलेज बहाल रखे, 100 यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, अगर नहीं होगा इसका स्केल बढ़ेगा। आपने देखा इसके अंदर एप का शामिल हुआ, ग्रैंड अलाइंस शामिल हुआ, इसके अंदर सिविल सोसाइटी शामिल हो रही है, वकला शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। महकमा सेहत में बेहतरी के हुकूमती दावे हवा हो गए। गुज़श्ता साल मंजूर होने वाले कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के दो अहम मंसूबों पर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। अतर लाशारी रिपोर्ट करेंगे। सेहत के शोबे में बेहतरी के हुकूमती दावे ठुस हो गए। कायदेज़ा मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के लिए गुज़श्ता साल दो मंसूबों आर्थो 2 और डॉक्टर्स ओपीडी ब्लॉक की मंजूरी दी गई। ताहाल ना फंड्स जारी किए गए और ना ही काम शुरू हो सका। अर्ज यह है कि हमने जो लास्ट ईयर आपको भी पता है कि आर्थो यूनिट 2 हमारा अप्रूव हुआ था, इसके अलावा एक ओपीडी की हमारी स्कीम थी सिविल हॉस्पिटल में, तो वो दोनों अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो इस वक्त करंट साल है इसके अंदर उसके पैसे नहीं थे आए बावजूद अप्रूवल के। तर्जमान कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर डॉक्टर तला चीमा का कहना था कि फंड्स के लिए कई बार हुकूमत को लिखा, रवा साल मजीद मंसूबे भी प्रपोज कर दिए गए हैं। हमने गवर्नमेंट को काफी लिखा इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि आप इसको एक दफा से दोबारा जब आपकी नई एडीपी जो है डिवेल्प होगी तो इसके अंदर आप दोबारा देखें, देन वी विल लुक इनटू इट। तो अब हम जो न्यू एडीपी स्कीम्स अब हमारी जा रही हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो उसके अंदर अब हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं दोबारा से। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया में आर्थोपेडिक का सिर्फ एक ही वार्ड कायम है, जिसके बाईस मरीजों को तवील इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतल अशारी, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में कालाबाग के शहरियों के मुकद्दर जाग उठे। कालू खैल को कालाबाग से मिलाने वाले रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मियांवाली कालाबाग के यूनियन काउंसिल कोर्ट चांदना के इलाका कालूखेल के शहरियों के 70 साल बाद मुकद्दर जाग उठे। कालूखेल को कालाबाग और दीगर के शहरों से मिलाने वाली रोड की तामीर का काम शुरू हो गया। पीटीआई तहसील ईसाखेल के जनरल सेक्रेटरी वारिस भट्टी ने बताया कि 7.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 किलोमीटर रोड की तामीर का काम जून तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये 7.5 करोड़ की लागत से जो रोड तामीर हो रहा है हमारी निगरानी में हो रहा है, और इंशाल्लाह हम इसकी निगरानी ऐसे करेंगे जिस तरह हम अपने आप को इमरान खान का सिपाही समझते हैं। पीटीआई सऊदी अरब सदर मलिक अमजद इकबाल ने तामीराती काम का जायजा लेते हुए कहा कि तब्दीली के समरात आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई हुकूमत अपने तमाम वादे पूरे करेगी। जो इनके लोकल नुमाइंदे हैं वो इतना अदराक कि उन्होंने इनकी तकलीफों और प्रॉब्लम को समझते हुए इनके मसाइल खान साहब तक पहुंचाए और उसके आज समरात इनको मिल रहे हैं, और इतने सालों बाद ये रोड बन रहा है, मेरे ख्याल से ये इनके लिए एक नेमत है। शहरियों ने बताया कि रोड की तामीर से कबल मरीजों को चारपाई और गदा रेड़ी पर अस्पताल ले जाया जाता था। कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते थे। सड़क की तामीर से दीगर शहरों के लिए आमदोरफ्त में आसानी होगी। इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा तावन किया है। इससे पहले जो पाकिस्तान बना है तो हमारे लिए बहुत दुश्वारियाँ थी। हम यहाँ पे सबसे पहले तो कोई रास्ता नहीं था, गदों पर लोगों को लेके जाते, बीमार को या कोई डिलीवरी केस था या कोई मैयत थी, कुछ भी था, हमारे लिए बहुत दुश्वारी होती थी। सड़क की तामीर पर खुशी से निहाल शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकामी क्यादत के हक में नारे भी लगाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शहर औलिया में तफरी के बेहतर मौके होंगे मयसर। शहर की सबसे बड़ी तफरी गाह में झील को दोबारा फाल करने का फैसला। शाह शम्स पार्क में बच्चों के लिए वंडरलैंड भी फंक्शनल होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
शहर ओलिया के बासियों के लिए तफरी के हवाले से अच्छी खबर। शहर की सबसे बड़ी तफरी गाह में झील को दोबारा फाल करने का फैसला कर लिया गया। शाह शमस पार्क में बच्चों के लिए वंडरलैंड को भी फाल करने का फैसला। इन फैसलों का ऐलान डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने शाह शमस पार्क के दौरे के मौके पर किया। बच्चों की जबरदस्त वंडरलैंड, मैं तो उसे कहूंगा वंडरलैंड, रिडंडेंट हालत में यहाँ मौजूद है। मैं ये इंतहाई खुशी के साथ ऐलान करता हूँ कि हम इस वंडरलैंड को बेहतरीन वंडरलैंड सूबा पंजाब की, पाकिस्तान की, एक लेवल की वंडरलैंड बनाएंगे। डीजीपीएचए का कहना था शाह शमस पार्क में मुल्तान के बासियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात देंगे। पार्क में जारी तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। मुल्तान जैसी जगह में झील एक खूबसूरत जजीरे की हैसियत रखती है, तो इंशाल्लाह ताला हम इस जजीरे को भी रिस्टोर करेंगे, इंतहाई खूबसूरत बनाएंगे और ये मुल्तान के अवाम देखेंगे कि ऐलानात की हद तक नहीं है बल्कि ये अमलन होगा। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग अफसरान ने पार्क में जारी तरक्याती कामों के बारे आगाह किया। कैमरामैन मुगिशिया के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको बताएं कि ख्वाजा फरीद शहर फाल करने के लिए कमेटी तश्कील, पहला इजलास भी हो गया। कुछ चेयरमैन और सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब करेजा और माहिर फरीदिया डॉक्टर शहजाद कैसर ने खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अथर लाशारी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की जेर सदारत हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद चेयर मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास हुआ। सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की फिक्र और उनके पैगाम को आम करने और महफूज करने के लिए कई इकदाम उठाए गए। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के पैगाम को प्रिजर्व किया जाए, उसको प्रोपोगेट किया जाए और उसकी बेसिस पे एक्टिविटीज क्रिएट की जाए। मैनेजमेंट कमेटी के को चेयरमैन सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा और माहिर फरीदियात डॉक्टर शहजाद कैसर ने फरीद चेयर फाल करने पर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब को खराज तहसीन पेश किया। सारा क्रेडिट ही डॉक्टर अतर महबूब साहब को देता हूँ कि ये एक समझ लें कि डेड प्रोजेक्ट था और पिछले 20 साल से ये डॉक्टर अतर महबूब साहब के इंतजार में था कि ये आए और इसके अंदर जान फूके। ये निगाह कर्म है हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की कि ये मैनेजमेंट कमेटी फाल हुई है और इसमें वाइस चांसलर साहब अतर महबूब साहब का बहुत मेजर रोल है और इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा साहब की भी दिन रात की मेहनत है। मैनेजमेंट कमेटी के एजाजी डायरेक्टर वली अहद सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने TORs पेश किए। पहले इजलास में कमेटी के मेंबरान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हसान चांडियो, मुजाहिद जतोई, सईद अहमद शेख, डॉक्टर सादिया कमाल, डॉक्टर रियाज सिंधड़, इस्मतुल्ला शाह, अथर लाशारी, मलिक अल्लाह यार चन्नड़ और समद शेर अब्बासी समेत यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉक्टर मोअज्जम जमील ने खसूसी शिरकत की। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। गवर्नमेंट जामे गर्ल्स हाई स्कूल सरगोधा में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। खवातीन के हुकूक और जिम्मेदारी पर रोशनी डाली गई। तफसीलात फसीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट जामिया गर्ल्स हाई स्कूल सरगोधा में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी, स्कूल प्रिंसिपल मिस नसीम अख्तर, मिस सतीका समेत खवातीन असातजा और तालिबात ने शिरकत की। शुरका ने खवातीन के हकूक और जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। सीईओ एजुकेशन रियाज कदीर भट्टी का कहना था कि सलाहियतों के एतबार से खवातीन किसी से कम नहीं। इस्लाम ने जितने हकूक खवातीन को दिए हैं, बदकिस्मती से हम अपने माशरे में वो दे नहीं रहे, वरना इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर रखा, शाना बशाना रखा, जायदाद में हिस्सा दिया। स्कूल प्रिंसिपल मिस नसीम अख्तर का कहना था कि खवातीन कौम की तामीर में बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं। खवातीन की मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा भारी जिम्मेदारी है और ये खवातीन ही है जो कौम को बनाने में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकती है। इस मौका पर तालिबात की जानिब से पेंटिंग की नुमाइश भी की गई जिसे शुरका ने खूब सराहा। आज मैंने पेंटिंग का कॉम्पिटिशन में ये पेंटिंग बनाई है और इस पेंटिंग में मैंने शो किया है कि एक औरत के ऊपर कितने जिम्मेदारियां हैं, वो घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करती हैं। तो मेरी ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग में मैंने ये शो किया है कि खवातीन ना सिर्फ घर में बल्कि जब हमारे मुल्क को हमारी जरूरत पड़ी तो अपने प्रोफेशन में, जैसे कि डॉक्टर्स और नर्सेज स्पेशली, उनमें भी उन्होंने अपने प्रोफेशन में भी अपने मुल्क का बहुत खिदमत की। शुरका का कहना था कि औरत का हर रूप मोहब्बत और शफकत का आईनादार है। नस्ल नू को खवातीन के हकूक फराइज से रोशनास करवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद की जरूरत है। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोधा। हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहीमिया खान। इकरार हुसैन कहते हैं किसान सूरत हाल देखकर गंदम की फसल को आखिरी पानी 25 मार्च से पहले लगाएं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट।
ईमियार खान में गंदम की फसल आखिरी मरहले में पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि जिले में 7,33,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई। आखिरी पानी बहुत अहम होता है। किसान मौसमी सूरत हाल देख कर 25 मार्च से पहले गंदम की फसल को आखिरी पानी लगाएं। रवां साल पीली कुंगी का हमला नहीं हुआ जिससे गंदम की फसल बेहतर हुई। जिमीदार भाइयों से इल्तजा है कि वो गंदम की हालत देखकर, अगर गंदम दूधिया हालत में है तो पानी लगाना है, अगर दूधिया हालत में नहीं है उसे अगली स्टेज पे चली गई है तो फिर बिल्कुल पानी नहीं लगाना है। इसके अलावा गंदम का देखते हैं कि 25 मार्च तक पानी आखिरी जो है वो लगा देना चाहिए, उसके बाद नहीं लगाना। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का मजीद कहना था कि अगर किसान जरी माहिरीन से मशवरा लेते रहें तो फी एकड़ पैदावार बेहतर करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम या खान। में आमों के बागात पर फूल लगने शुरू हो गए हैं, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन रहीमियार खान माजिद अली कहते हैं जिले में 70,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। यहाँ के आम पूरे मुल्क में पहचाने जाते हैं। इस वक्त आम की फ्लावरिंग का अमल शुरू हो गया है मगर बारिशों की सूरत में आम पर ब्लॉसम ब्लाइट का हमला बढ़ गया है। आम के बोर पर मैंगो हाइपर और पाउडरी मेल्ड्यू का हमला भी शुरू हो गया है जिससे बोर सूख जाता है और फी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। बारिशें ना होने की वजह से जो है, एक तो ये है सबसे जो हमें फायदा हुआ है कि वो ब्लॉसम ब्लाइट जो है उसका हमला नहीं हुआ। तो अभी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है और बागों में जो है वो लोग पानी लगा रहे हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसका खतरा है। तो जिन लोगों ने पानी लगा लिया उसके बाद जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए एक स्प्रे जो है वो लाजमी तौर पर करें। अगर आम के दरख्तों पर बरवक्त केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं तो बीमारियों पर काबू पाने में यकीनी तौर पे मदद मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने ग्राफिक्स डिजाइनर्स की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने ग्राफिक डिजाइन के जरिए मुनफरिद अंदाज में बिजनेस प्रमोशन पर प्रोजेक्ट्स पेश किए। नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने किया। इस मौका पर इंचार्ज डिपार्टमेंट अहमद फराज, फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। वाइस चांसलर इश्तियाक अहमद का कहना था कि तलबा और तालिबात ने ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी के जरिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डाली है। ये थीसिस डिस्प्ले हमारा एनुअल इवेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का, जिसमें बच्चे बच्चियां अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका भरपूर इजहार करते हैं। तलबा तालिबात का कहना था कि ऐसी तकरीबात से उन्हें नया सीखने को मिलता है। मेरा जो थीसिस टॉपिक है वो है कलर ऑफ लाइफ और मैंने एसओएस विलेज में बनाया है। ऑर्फन्स की लाइफ शो कराई है कि उनकी लाइफ में अगर कलर्स होंगे तो वो कितना अच्छा होंगे और कितने खुश होंगे। मैंने अपना जो थीसिस है ये इलस्ट्रेटिव वे में किस तरह हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की सेल, ये मेन मेरा टॉपिक का थीम था। और जो मैंने प्रोडक्ट लिया इसका सारा मैंने रीडिजाइन इस कंपेन को किया है और एक इलस्ट्रेटिव वे में। इंचार्ज डिपार्टमेंट अहमद फराज ने तलबा और तालिबात के आइडियाज को सराहा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में लगी इस नुमाइश में तलबा और तालिबात ने सिर्फ बिजनेस वैल्यूज को फोकस नहीं किया बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए सोशल इशूज को भी हाईलाइट किया। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोधा। सरदार कोड़े खान स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अहलिया बतौर मेहमानी खसूसी शरीक हुई। जश्न बहारा की मुनासबत से जिला इंतजामिया की निगरानी में चलने वाले सरदार कोड़े खां स्कूल में तुलबा के लिए स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया जिसमें तुलबा और असातिजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तुलबा की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स अपनी खूबसूरती से सकाफती रंग उजागर करते दिखाई दिए। प्रिंसिपल ताहिर बशीर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में पहली बार इस तरह का स्पोर्ट्स डे मुनक्किद किया गया है। गैर निसाबी सरगर्मियों से तुलबा की सलाहियतों में इजाफा होता है। बच्चों को मोस्ट मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ उनकी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल्स को, उनका क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को और उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए ये एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की अहलिया ने कहा कि स्कूल में इंतजामात बेहतर हैं, तुलबा के लिए इस तरह के इवेंट्स जरूरी हैं। तुलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। ये बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और आपका एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई तभी चलती है जब बच्चे का जहन हर तरफ चलता है। तुलबा के दरमियान दौड़, फ्रॉग रेस और दीगर मुकाबले हुए। तुलबा ने कहा कि स्पोर्ट्स डे को उन्होंने खूब इंजॉय किया। कैमरा टीम के हमराह आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ग्रेजुएट कॉलेज मियांवाली में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला सज गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ। स्पोर्ट्स गाला में वॉलीबॉल, क्रिकेट, गोला, रस्साकशी के दिलचस्प मुकाबला जात हुए। स्पोर्ट्स गाला में शरीक नौजवानों का कहना था कि खूब इंजॉय किया है, ऐसे इवेंट में सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। कॉलेज असाजा ने खूबसूरत प्रोग्राम का अरेंज किया है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे गांव में, सारे इधर कॉलेज में साथ तमाम लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस मौके पर ये बच्चों के अंदर शख्सियत का निखार आता है, और इसके अलावा जनाब जो इनके अलावा इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज अ हाफ सक्सेसफुल। चीफ ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स गाला प्रोफेसर मलिक हजातुल्ला का कहना था, कोरोना वबा के बाद स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद जरूरी था। तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं, क्योंकि तमाम बच्चों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। तमाम तलबा को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके, हाउसेज में डिवाइड करके मौका दिया गया है, और सब लोग अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। नौजवानों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स किया। स्पोर्ट्स गाला में आखिरी दिन का खेल कल सुबह 9 बजे शुरू होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली न्यूज स्टूडियो। सब तक के लिए इतना ही।